रातों के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास नींदे ही नहीं रातों के पास चलते रहे मोहब्बत ही है तेरी कि आपके जो ये बाल हैं इतना अच्छा हेयर कट है अगर आप इसको डाई करवा लें और ये जो शेव है अगर आप इसको क्लीन करवा लें यानी कि क्लीन शेव हो जाए तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि आप मेरे ससुर हैं बल्कि लोग ये कहेंगे कि आप मेरी जेठ जी हैं आतिफ के बड़े भैया। लेकिन ये जो माफ़ कीजिएगा आपके शाहिद साहब हैं ये इंतहाई नामाकूल और बदतमीज़ शख्स हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि इस घर के दामाद बन सके। बल्कि अब्बा जान ने सबीता जी की बात को एक्सेप्ट कर लिया और सॉरी भी कहा है पता है आपको मगर अब्बा जान ने शाहिद साहब के रिश्ते से इनकार कर दिया। यस देखा भाभी अंकल को बार बार तंग करने का नतीजा उन्होंने कल मुझे अपने घर बुलाया है और इंशाल्लाह मुझे जॉब भी मिल जाएगी। तुम ना एक नंबर की चिपकू लड़की हो। सपनों की ओट में सविता मैंने और आशी ने फैसला कर लिया है कल हम कोर्ट जा रहे हैं शादी करने। शायद तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें पता है कि मेरे उन लोगों के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं तुम्हारी वजह से ये ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। देखो सबीता कुछ गलत नहीं होगा और मैं कब तक तुम्हारे घर के चक्कर लगाता रहूँगा और अभी तक मेरे लिए कोई मुनासिब लड़की भी नहीं मिली आपको और अब ये आशी है और आशी भी मुझे पसंद करने लगी है और जब हम लोग शादी कर लेंगे इनके अब्बू मजबूर हो जाएंगे। देखो शायद आशी बहुत सादा लड़की है और वो तुम्हारे चक्कर में आके तुमसे शादी भी कर लेगी लेकिन उनके भाई और बाप के दबाव में आके वो तुमसे तलाक भी मांग सकती है और ये सारी बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखो तुम सब्र से काम लो मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। नहीं सबीता अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हम दोनों ने तय कर लिया कल हम कोर्ट जा रहे हैं और शादी कर लेंगे और कोर्ट से वापसी पर मैं आशी के साथ उसके घर ज़रूर जाऊँगा तो उसके वाले से मैं माफ़ी मांग लूँगा और दरमियान में आके तुम हमारी सुलह करवा देना। अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो इरम। हाँ मैं सबीता। हाँ अभी शायद आया था मेरे पास। हुआ सबीता जी आपने हमको ये सब कुछ बता दिया बस हम कोशिश करते हैं कि कुछ कर सकें। नहीं तुम अब्बा को बताना मत। अल्लाह हाफिज़। ओके खुदा हाफिज़। क्या करें आप? मैं क्या बताऊं क्या करें मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ही इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार कैसे हो गई। मजबूर हैं आप ही भी हालात देख रहे हैं आप क्या करें वो आखिर और आप ही से उलझने के बजाय अब्बा जान को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते आतिफ? बाबा अब्बा जान को भी हम समझा लेंगे उसके लिए हमें कुछ वक्त चाहिए होगा लेकिन अगर आप ही ने उससे पहले कोई कदम उठा लिया तो अब्बा जान उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। कसूर अगर होगा तो या तो अब्बा जान का होगा या फिर शाहिद साहब का। यकीनन अब्बू का ही कसूर होगा शाहिद साहब तो मुझे ऐसे नहीं लगते। आप कैसे कह सकते हैं आपी? आप मिली हैं क्या उनसे? नहीं तो मैं तो नहीं मिली उनसे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कसूर उनका नहीं होगा? वो हाँ वो जब वो सबीता के साथ आ रहे थे ना तो मैंने किचन की खिड़की से देखा था। ओह फिर कैसे लगे आपको पसंद आए वो? जैसे सब मर्द होते हैं वैसे ही लगे। इसका मतलब है दिल में हाँ छुपी है ना? सबीता की और अब्बू की क्या बात हुई? आप ही सब कुछ ठीक हो गया बल्कि अब्बा जान ने सबीता जी की बात को एक्सेप्ट कर लिया और सॉरी भी कहा है पता है आपको मगर
मगर मगर क्या? मगर अब्बा जान ने शाहिद साहब के रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्होंने सबिता जी से कहा है कि आपके लिए कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढे। तुम अब्बू को बता देना कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शाहिद साहब से, वरना जितनी जिंदगी अकेले गुजार ली है बाकी भी गुजार लूंगी। यूं आप इस तरह क्यों कह रही हैं? क्या आपके और शाहिद साहब के दरमियान कुछ? हाँ, दो तीन बार मेरी मुलाकात हुई है उनके साथ। मुझे तो वो बहुत सुलझे हुए, बहुत शरीफ इंसान लगे। मैं उन पर एतमाद कर सकती हूँ। चले, अच्छा भाभी, आपने मुझे ये सब कुछ बता दिया। अब मैं कोशिश करूँगी कि आतिफ को एतमाद में लेकर उनसे कहूँ कि वो अब्बा जान को राजी करने की कोशिश करें। हाँ, कोशिश कर लो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। आप ही ने भी तो जिद पकड़ लिया, और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये कदम उठा के रहेंगे। आप देख लीजिएगा। आप ही को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कल मैं ऑफिस से छुट्टी कर लूं और घर पर रहूं, और आप ही को कहीं भी जाने से रोकता रहूं। नहीं आतिफ, ये सही नहीं है। आप खुद सोचें कि अब्बा जान भी घर पे होते हैं। अगर आप ही को रोकेंगे और कोई तमाशा खड़ा हो गया तो अब्बा जान को भी सब कुछ पता चल जाएगा। इस तरह आप हालात को संभालना और मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक तरीका है मेरे दिमाग में, अगर आप चाहें तो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप शाहिद साहब से बात करें और उनसे कहें कि वो ये कदम ना उठाए? नहीं, अपना खूंटा मजबूत होना चाहिए। शाहिद से बात करने का मतलब ये है कि हम उसके सामने अपने आप को कमजोर जाहिर कर रहे हैं। हाँ भाई, कैसी तबीयत है तुम लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, अब्बा जान एक जरूरी काम था इसलिए छुट्टी कर ली। और वो आशी, फिर उसने भूख हड़ताल कर दी, नाश्ते पे नहीं आई? जी अब्बा जान, मैं असल में गई थी उनके कमरे में, लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे भूख नहीं है, सो गई वापस। कह रही थी उठूंगी, दिल चाह तो खाऊंगी, वरना कोई मेरे कमरे में ना आए और मुझे तंग ना करे। अब्बा जान। हाँ बोलो। अब्बा जान, आप शाहिद साहब के मामले पर दोबारा गौर कर सकते हैं। मैं एक सेकंड के लिए भी उस शख्स के बारे में गौर नहीं कर सकता, और तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है कि वो कितना बदतमीज और नामाकूल शख्स। अगर तुम वहां होते बेटा तो तुम देखते कि उसने मुझसे किस तरह से बदतमीजी की है। यहां हैंडल मेरे मारा मोटरसाइकिल का, और फिर उसने बदतमीजी की इंतहा कर दी। अगर तुम मेरी बेइज्जती वहां देख लेते ना तो तुम उसको कत्ल कर देते। वो तो मैंने बर्दाश्त किया उसको, इसलिए कि मेरा जर्फ है, मैं खानदानी आदमी हूं। उसका घटियापन देखो, उसकी फुटपाथियों वाली जबान, वो ऐसा शख्स मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि अपना दामाद बना लूं। आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हैं मैडम? तैयार तो इस तरह हो रही हो जैसे किसी नौजवान के साथ डेट पे जा रही हो। भाभी, आपकी तो शादी हो चुकी है इसीलिए आपको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई ना। क्या पता जॉब की तलाश में कोई लड़का ही मिल जाए। एक मिनट, कहीं वो ग्राउंड फ्लोर वाले लड़के के लिए तो तैयार नहीं हो रही हैं आप? सॉरी। कोई बात नहीं,
लीजिए। थैंक यू। कोई बात नहीं, वैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पर ही रहता हूँ, लेकिन अगर आप रोज़ इसी तरह इतनी स्पीड में यहाँ से गुजरती हैं तो मैं रोज़ यहाँ आ जाया करूँगा, ताकि आपकी बिखरी हुई चीज़ें आपको संभाल कर दे दूँ। थैंक यू वेरी मच, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज मैं जल्दी में थी इसीलिए आपसे टकरा गई। एनीवेज थैंक्स। अरे अरे आहिस्ता से, ऐसा नहीं हो कहीं फिर से टक्कर हो जाए आपकी। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने मुझे, वो मुझे काफी दिनों से कॉल्स कर रहा है, मिलने को कह रहा है मुझे। केयरफुल रहना, और अगर हो सके तो एक बार मुझे दिखा देना, एटलीस्ट पता तो करा सकूं कि ये मौसूफ है कौन, कहीं तुम अपनी मासूमियत में किसी गंदे से लड़के के साथ उल्टे सीधे चक्रों में ना फंस जाओ। नहीं भाभी, अब फिक्र ना करें। ये लीजिए, मैंने आपको भेजा था कि इसे कान पकड़ के खींच के लाओ इसे, यहाँ कुछ खड़ी बातें बना दी। भाई आ ही तो रहे हैं, कौन सी कयामत आ गई है? कयामत आई नहीं है, आके गुजर भी चुकी। मोहतरमा की नौकरी नहीं लगी है, लेकिन 10,000 की शॉपिंग कर डाली मेरे डेबिट कार्ड से, बेवकूफ बना के मुझे। मुझे एक बार सिर्फ जॉब मिल जाने दे, फिर देखिएगा आपके सारे पैसे मैं आपको वापस कर दूंगी। वैसे भाभी, जब से भैया की शादी आपके साथ हुई है ना, तो ये बहुत कंजूस हो गए, पहले ऐसे नहीं थे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो तुम्हारी नंदे भी तुम्हें यही कहेंगे। अच्छा देर हो रही है, अब चलते हैं। हेलो। हेलो आशी, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप कोर्ट चलने के लिए तैयार हैं? जी जी। देखो आशी, ये पहला और आखिरी चांस है, और अभी तक तुम्हारे घर वालों को किसी किस्म का कोई शक नहीं हुआ कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ चल रहा है। वो तो यही समझ रहे हैं कि एक रिश्ता आया था जिसको तुम्हारे घर वालों ने जलील करके निकाल दिया और बात खत्म हो गई। अगर ये बात उनके नोटिस में आ गई, तुम और मैं मिल रहे हैं, तो तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लग जाएगी, और सारी जिंदगी हम एक दूसरे से मिलना तो दूर की बात, शक्ल भी नहीं देख पाएंगे एक दूसरे की। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो बस फिर हिम्मत करो, आज निकल के आ जाओ, मैं पार्क के सामने तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो इस वक्त 10 बज रहे हैं, तुम 12 बजे तक आ जाओ, 2-3 घंटे में हम कोर्ट की कार्रवाई से फारिग हो जाएंगे, और फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर भी जरूर जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। Wow, what a pleasant surprise. आइए। वालेकुम सलाम। इरम। जी। इरम देखो कौन आया है। अस्सलामुअलैकुम मेरी भाभी की बहन। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन की नर। क्या हाल है? ठीक ठाक। कैसे भाई? मैं ठीक ठाक। अम्मा और सदफ को भी बुलाते हैं? मैंने तो कहा था उनसे आने को, लेकिन वो तैयार नहीं हुई, और सदफ फोन की वजह से रुकना पड़ा। अब देखो ना, मेरा छुट्टी करना अच्छा साबित हुआ, तुम लोगों से मुलाकात होगी। चले। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई, गदर आओ, बैठो। क्या हाल है? पागल लड़की ने आपको खूब परेशान कर रखा है। अरे नहीं भाई, इसमें परेशानी की क्या, वैसे भी ये बहुत प्यारी सी बच्ची है, बहुत जहीन है, और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ अगर मेरी वजह से इसका काम बन जाए। देखा भैया, आप मुझे बजाय बजाय डांट रहे थे कि अंकल को क्यों परेशान कर रही हो। भाई इरम बेटा, अब जल्दी से एक कप चाय पिलवा दो, क्योंकि अमन मियां कभी कभी हमारे यहाँ आते हैं, एक कप इनके साथ चाय पी लें, और फिर उसके बाद गजल हम चलते हैं। वैसे भी आज खुशकिस्मती से आकिफ मियां घर पर है, तो इन्हीं की गाड़ी में चले जी।
चलो यार मैं तुम्हें किचन में हेल्प कर देती हूँ। हाँ श्योर आओ। अच्छी सी चाय बनाओ। और अमर क्या हो रहा है आजकल? करूं इन लोगों को भी आज ही आना था। एक तो ये आतिफ, इसको भी आज ही ऑफिस से छुट्टी करनी थी और ऊपर से ये मेहमान आके बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊं क्या करूं। अगर वहां टाइम पे नहीं पहुंची तो कोर्ट पे। यार अल्लाह सब मुश्किलें मेरे साथ ही आनी होती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं कैसे जाऊं। चलो भाई चलो। क्या हुआ? अरे बाबा जान आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज इतने तैयार होके निकल रहे हैं। भाई क्यों ना तैयार हूँ, आखिर इतनी हसीन लड़की के साथ जा रहा हूँ तो तैयार होकर तो जाने को। शुक्र है अब्बा जान चले गए। तुम देखो अगर अभी उठ गई तो हम चलते रूम से बाहर। ज़्यादा अच्छा हुआ है। एक तो ये कि यहाँ तुम्हारी जॉब हो जाएगी, इत्तफाक से एक साहब मेरे ताल्लुकात हैं, मैं उसके लिए बात करता हूँ तुम्हारे। आओ। आइए यंग लेडी। थैंक यू। यू आर वेलकम सीनियोरिटा। शीशा करे? ये नीचे नहीं हो रहा। एक मिनट। जैम बहुत था। चले। थैंक यू अंकल, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं जाना। क्या मजाक बना रखा है यार, कैसी नौजवान नस्ल है आज, बुजुर्गों का एहतराम ही नहीं। मतलब मैं आपके काम के लिए आपको ले जा रहा हूं और आप इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। वाह भाई वाह। आप कहाँ जा रही हैं? मैं वो बाजार जा रही थी, जरा शॉपिंग करनी है मुझे। आप ही थोड़ी देर रुक जाइए, मैं और इरम भी अभी शॉपिंग करने जा रहे हैं, मैंने आज छुट्टी इसीलिए की। तुम्हें पता है आतिफ मैं अकेले शॉपिंग करती हूँ, वैसे भी गाड़ी तो अब्बू लेके गए हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। आप ही अब्बा जान अभी 15 मिनट में आ जाएंगे, आप हमारे साथ ही चलिएगा। और वैसे भी अभी 11 ही बजे हैं, कराची के शॉपिंग सेंटर्स कम से कम 12 बजे खुलते हैं। क्या तुम वकीलों की तरह से मुझसे जिरा कर रहे हो? मैंने कहा कि मुझे जाना है तो मैं जा रही हूँ। आप ही अब जरा सा हौसला कीजिए, मैं और इरम आपके साथ हैं, हम किसी भी सूरत अब्बा जान को राजी कर लेंगे। क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब्बू का मेरी शॉपिंग से क्या ताल्लुक है? उन्होंने तो कभी मेरी शॉपिंग पे कोई एतराज नहीं किया, बल्कि वो तो मुझे पैसे देते रहे। आप ही, मैं जानता हूं कि आप शॉपिंग करने नहीं जा रही। हाँ कल जो हुआ बहुत बुरा हुआ, उसके बाद तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी आपसे नहीं मिलूंगा, लेकिन जब मुझे सबिता का फोन आया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, मेरा सारा गुस्सा साबुन की झाग की तरह बैठ गया। मैंने सोचा इसमें आपका क्या कसूर है, आप तो खुद बहुत अच्छी हैं। ये तो आपका बड़ापन है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप
इस तरह कह रहे हैं? इसकी वजह जानती हैं आप? इसकी वजह यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, और सारी रात ये सोचते हुए मैं सो ना सका कि अब हम और आप कभी मिल ना सकेंगे। फिर तो एक ही रास्ता रह गया। जी, वो क्या? तुम और मैं चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। समझी नहीं। देखो आशी, कोर्ट मैरिज का मतलब ये होता है कि हम किसी भी अदालत में जाकर ये कहेंगे हम दोनों आकिल और बालिग हैं और शादी करना चाहते हैं, और हमारा बकायदा निकाह होगा, और फिर मैं खुद जाकर तुम्हारे अब्बू से माफ़ी मांग लूँगा। देखो आशी, हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जहाँ उसे कुछ ना कुछ फैसला करना होता है। अगर इंसान ऐसे मौक़ों पर हिम्मत से काम ना ले तो सारी ज़िंदगी अफसोस करता रह जाता। देखो, तुम्हारे अब्बू अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। देखो, हौसले से काम लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना सारी ज़िंदगी तुम और मैं अफसोस करते रह जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर मैं क्या करने जा रही हूँ? खाइए मेरे सर की कसम, क्या आप शॉपिंग करने जा रही हैं? तुम कौन होते हो मुझे अपनी कसम देने वाले? तुम तो खुद एक खुदगर्ज और आवारा लड़के थे। तुमने तो घर भी छोड़ दिया था। कभी अपनी बहन का ख्याल आया, कभी बाप का ख्याल आया? कभी सोचा कि घर में एक जवान बहन मौजूद है जिसकी शादी भी करनी है? खुद तो अपनी शादी रचा कर बैठ गए और अब चले हैं गार्जियन बनकर मुझसे सवाल जवाब करने के लिए। तुमने कभी सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी है? कभी तुम्हें अपनी अय्याशियों में मेरा ख्याल आया? बाबा, आ रही हूं। क्या हुआ गजल? भाभी, वो अंकल। क्या हुआ अंकल को? खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो तो नहीं क्या? वो बहुत बुरे हैं। क्यों, उन्होंने क्या किया है? कुछ किया तो नहीं, लेकिन अगर आज मैं उनके साथ चली जाती ना तो बहुत बुरा होता। गजल, तुम अंदर कमरे में जाओ, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, फिर बात करते हैं। क्या हो रहा है? सुनो, फोन नहीं उठाना, फोन मत उठाना प्लीज। देखो मेरा फोन है। आप यह परेशान मत हो, मुझ पर एतमाद रखें, मैं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। आशी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। शाहिद साहब, मैं आतिफ बात कर रहा हूँ, आशी का भाई। हेलो हेलो, देखा देखा तुमने, फोन बंद कर दिया ना उन्होंने। एक उम्मीद की किरण नजर आई थी मुझे, वो भी तुमने बुझा दी। बहुत जालिम हो तुम। मैं कभी तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। बहुत जालिम। ये लो पानी पियो गजल। गजल, मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये मुझे नहीं हो रहा। ये
भाभी गलतफहमी नहीं हुई, मैं बच्ची नहीं हूँ। माना कि मैं शहर में पली बड़ी नहीं हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं लड़की ही हूँ। अंकल के अंदाज में कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो नॉर्मल नहीं थी। उनके अंदाज में बुजुर्गी नहीं थी बल्कि शैतानियत थी। अच्छा हुआ कि मैं आज उनके साथ नहीं गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह का शुक्र है तुम सही सलामत घर वापस आ गई। भाभी मैं तो कहती हूँ आप अभी इरमबाजी को कॉल कीजिए और सब कुछ बता दीजिए। गजल मजबूरी है, अंकल के साथ रिश्ता इतना नाजुक है कि उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी शख्सियत भी ऐसी है कि कोई भी हमारी बात नहीं मानेगा। मुझे तो लगता है कि वाकई में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं भाभी, गलतफहमी तो मुझे नहीं हुई, लेकिन हाँ आपकी बात भी सही है कि रिश्ता बहुत नाजुक है और अंकल की शख्सियत भी ऐसी है कि हम पे कोई यकीन भी नहीं करेगा। हिरम अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी की जो कंडीशन है, आज अब अचानक वापस आ जाएं, मैं उनसे खुलकर बात कर लूँगा। सही कह रहे हैं, एक छोटी सी बात की वजह से आप ही अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लें, ये कहाँ का इंसाफ है। इस वक्त कौन आ गया, मैं देखता हूँ। सलाम बेबी। वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ये क्या हुआ आशी बेबी को? नाजो तुम जाओ, आज हमें काम नहीं करवाना, तुम जाओ कल आना। अच्छा ठीक है। हिरन तुम जाके आप ही को संभालो, जाओ। देखती हूँ। उस शख्स को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ वो क्या है। मम्मी तो मर गई और उनकी जिम्मेदारी मुझे देकर चली गई। काश मैं भी उनके साथ मर जाती तो अच्छा होता। आपी चुप हो जाए। आपी क्या हुआ? हटो। आपी पानी लेकर आओ इरम, जल्दी से। आपी उठे, डॉक्टर को बुलाया आते। आपी है रब्बा, बड़ी गर्मी है, एक तो ये चुंदरी भी अजाब है।
नाजो तुम आज भी जल्दी आ गई, खैरियत? अरे बीबी जी क्या बताऊं, मैं ऊपर गई थी ठर की बुड्ढे के यहाँ, उन लोगों ने मेरी जल्दी छुट्टी कर दी, बड़ा टेंशन का माहौल चल रहा था उनके। कैसा टेंशन का माहौल चल रहा था? बीबी जी ये तो मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया, मैंने बड़ी कोशिश की सुनगुन लेने की, बड़े चालाक लोग हैं, मेरे को निकाल बाहर किया, आज तो भाई भी घर पे था, और तो और आशी बीबी की आवाजें आ रही थी कमरे से रोने पीटने की, दरवाजा बंद किया हुआ था उन्होंने कमरे का। ये तो होना ही था। क्या मतलब, क्या पता था बीबी जी आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। शायद तुम्हारी वजह से उस घर में फसाद बरपा हो गया है। मैं क्या करूं, गलती उस बुड्ढे की है जो उसने छोटे से वाक्य को बुनियाद बनाकर आपको और मुझे अपने घर से बेइज्जत करके निकाला। मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। यानी कि तुम आशी से शादी इसके अब्बू से बदला लेने के लिए कर रहे हो? नहीं, आशी से शादी तो उसकी मोहब्बत में कर रहा हूँ। जाहिर है बुड्ढे को इस बात से तकलीफ होगी और मुझे खुशी होगी। देखो शाहिद, रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत पे होती है, नफरत पे नहीं। और चलो तुम उससे शादी कर भी लोगे और तुम इसके बाप से नफरत करते हो, तो क्या वो बर्दाश्त करेगी और वो तुमसे मोहब्बत करेगी? सबीता वो सब बात की बातें, पहली बात तो यह है कि आशी से मेरी शादी हो जाए और फिर जाहिर है उसके बाप से मेरी रिश्तेदारी कायम हो जाएगी। और मैं भी पागल नहीं कि छोटे से वाक्य को सारी जिंदगी याद रखूँ, पहले मेरी आशी से शादी तो हो जाए। शाहिद अब तो बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि उनके घर वालों को शक हो गया है और उन्होंने आशी को कमरे में बंद करके रखा है। देखो सविता, आज तो आशी को रोकने में कामयाब हो गए, मैं मुसलसल आशी से रब्ते में रहूँगा और कभी ना कभी तो उसे घर से निकलने का मौका मिलेगा और मैं फिर बेटे, जब से फोन बज रहा है उठा लो। नहीं खाला, इतनी कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। हेलो 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 गजल जी, नहीं वो तो नीचे गई हुई है। कौन, सदव जी? हाँ मैंने इसलिए तुम्हें। अच्छा तुमसे ही बात हो जाए, ये तुम्हारी जो नंद है गजल, ये बेटा थोड़ी सी खिसकी हुई लग रही है, माफ करना मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ये बात हकीकत है क्योंकि मैं तैयार हुआ इसकी खातिर कि इसको जॉब दिलवाने के लिए ले जाऊंगा, गाड़ी में बैठी हुई अच्छा खासा बैठी है, फिर ना जाने इसको क्या हुआ कि उतर गई। अब मैं पुकार भी रहा हूँ कि भाई बात तो सुनती जाओ, तुम्हारी जॉब के लिए जा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत थी कि मैं। बहरहाल मैंने इसकी जॉब की बात की है एक जगह। जी अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, कहाँ बात की आपने? वो मेरे एक दोस्त हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। क्या कोई 20-25 मुलाजिम है जिसमें से 5-6 लड़कियां हैं? माहौल बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा एतमाद है उनके ऊपर, मेरे दोस्त भी हैं, मैंने खुसूसी तौर पर गजल के लिए कह भी दिया। तो मैं सोच ही रहा हूँ कि ये अच्छी जॉब है और गजल से कह देना कि उनसे जाकर मिल ले। थैंक यू अंकल, आप मुझे फर्म का एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? हाँ तो मैं तुम्हें उनका नंबर और एड्रेस वगैरह SMS कर देता हूँ। ठीक है बेटा। थैंक यू अंकल, अल्लाह हाफिज़। हाँ खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
देर तो नहीं हो गई भाई मुझे? नहीं तो जाओ, अब तुम बहू को लेकर चले जाओ, खूब सारी शॉपिंग कराओ बेटा, मैं तो आ गया बस। छे बजे आतिफ, खैरियत बेटा? कोई टेंशन है? बजान, मैंने आपसे आप ही के सिलसिले में बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात? बजान, आज आपके जाने के बाद आप ही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें दौरे पड़ रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद की गोली देकर सुलाया है। क्यों, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ उसके साथ? पहले वो कभी इस जज्बाती हिजान का शिकार भी नहीं हुई। नहीं भाभी, बात सिर्फ वजन डालने की नहीं है। अब आपको मैं क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं सविता जी, बड़ेपन या छोटेपन की बात नहीं है, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी बहन का घर बस जाए और वो अपने शोहर के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहे। लेकिन आपके पास तो बाइक है, और मुझे तो बाइक पे बैठते हुए डर लगता है। चलें तो आपके लिए गाड़ी खरीद लूंगा, गाड़ी में बैठते हुए तो डर नहीं लगेगा आपको। आप मेरे लिए गाड़ी खरीदेंगे? वो लड़का पता नहीं किसी ना किसी बहाने से गजल से मिलना शुरू हो गया है। देखो, मुझे तो समझ में नहीं आ रही मैं गजल को किस तरह समझाऊं। तुम प्लीज गजल को समझाओ, उसे रोको। सपनों की ओर